हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सत्यम रस्तोगी एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेट लॉस करना आज के दौर में एक बहुत ही आम समस्या हो गई है और हर आदमी इससे परेशान है। सभी वर्ग के लोग इससे परेशान हैं कि काश मेरा वेट लॉस हो जाए और मैं पहले की तरह सुंदर और स्मार्ट दिखने लगूँ। लेकिन होता क्या है कि आजकल की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम ऐसे फूड्स को अपना लिए, ऐसे खाना खाते हैं जो हमारे बॉडी में फैट के रूप में बहुत ज़्यादा स्टोर होता है और वर्कलोड उसको डाइजेस्ट करना या उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम सक्षम नहीं, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास सुविधाएं हो गई हैं। झाड़ू पोछा, मतलब हर चीज़ ऐसी सुविधाएं हो गई हैं जिसका हम नॉर्मली मशीनों द्वारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद से कुछ भी इस्तेमाल हो नहीं रहा है। कहीं भी जाना है गाड़ी, कहीं भी जाना है बाइक, कहीं भी जाना है, मतलब अगर हमें कहीं होटल जाना है, कहीं पे जाना है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो हम सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करके क्या करते हैं कि लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे जनरली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसको हमें चेंज करना होता है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना होता है और हेल्दी रहने के लिए, वेट लॉस करने के लिए कुछ लाइफ में चेंजेस करने के बाद हम अपने आप को बदल सकते हैं और हेल्दी वेट गेन, वेट लॉस कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा जिसके द्वारा आप इस्तेमाल करके, जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसका इस्तेमाल करके आप अपना वेट बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकते हैं और वेट को लॉस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हाँ, मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि साथ में आपको कुछ अपने डाइटिंग एक्सरसाइज में और डेली रूटीन में कुछ चेंज करना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है R59। दोस्तों, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। आप इसको जाइए और इसे R59 को लेकर के आइए और इसे इस्तेमाल ऐसे करना है कि 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को आपको एक कप गुनगुने पानी में लेना है, उस पानी को चाय की तरह पीना है। इसे लेने का टाइमिंग है सुबह खाली पेट और शाम को दोपहर का लंच लेने के बाद 5-6 बजे जब आप खाली पेट होते हैं तो आप इसको एक कप गुनगुने पानी में डाल करके इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ये क्या करेगा, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जैसे होता क्या, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस हो नहीं रहा है। एक्सरसाइज और टहलने घूमने पार्क में जाके वॉक करता हूँ उसके बाद भी मेरा वेट गेन ही हो रहा है, लॉस हो ही नहीं रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पार्क में गए, सुबह टहले, आपने क्या किया कि 700-800 कैलोरी अपनी बर्न करी। बर्न करने के बाद आप घर आए, घर आने के बाद आपने क्या किया कि अपने डाइटिंग और मतलब ईटिंग हैबिट्स में आपने कोई चेंज नहीं किया। नॉर्मल रूटीन की तरह आप सभी चीज़ें खा रहे हैं, फैटी चीज़ें खा रहे हैं, बाजार का भी खा रहे हैं, मोमोज, पिज़्ज़ा, पास्ता, बिस्किट्स। तो ये क्या करेगा कि आपने 700 कैलोरी तो बर्न किया और दिन में खा लिया आपने 3500 कैलोरी। तो 700 कैलोरी जो बर्न हुआ वो तो हुआ, लेकिन 3500 जो खाया वो तो बॉडी में ऐड हुआ। ये एक तरीके से हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और आपको ये एहसास ही होने नहीं देता कि आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका वेट लॉस हो रहा है। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपनी हीटिंग हैबिट्स में बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा। मेडिसिन का काम ये होता है कि वो हमारे बॉडी को, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, जिसके थ्रू आपके बॉडी में जो फैट है वो जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो आपके वर्कलोड करने के बाद। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस किए। फल, फ्रूट, दूध, जूस का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट वाले फूड का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। शाम का खाना बहुत जल्दी खाइए, खाने को खूब चबा चबा करके खाइए, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। और ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप खुद पाएंगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करिए, खाना ही मत खाइए, खाना सब छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आप सोचिए कि आपका वेट लॉस होगा। नहीं, इससे आपको और बीमारियां बढ़ जाएंगी। बॉडी में खाने की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्या बॉडी में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी अगर आप डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप अपने ईटिंग हैबिट्स में चेंज करिए, आप अपने खाने में रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें कम करके सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। आप सब्जी खाइए, दाल खाइए, सब खाइए लेकिन रोटी चावल कम करके सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। जूस पीजिए, दोपहर में दही खाइए, रात में दूध पीजिए और रात का खाना बहुत ही लाइट लीजिए, बहुत ही कम से कम। आप अगर कोशिश करिए रात का खाने में आप सिर्फ और सिर्फ सब्जी, फल और सलाद का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, R59 आप यूज़ करिए और ईटिंग हैबिट्स और डाइटिंग एक्सरसाइज में आप चेंज करिए तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा और आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मैं नई नई वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।